नमस्कार दोस्तों, करंट नॉलेज में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों, आज हम 28 फरवरी 2019 का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कौन सी योजना शुरू की है? श्रेयस योजना शुरू की है। कौन सी योजना है ये? श्रेयस योजना शुरू की है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये श्रेयस योजना है क्या, ये देखते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए स्नातकों को उद्योग शिक्षुता के अवसर प्रदान करने के लिए स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल श्रेयस लॉन्च की है। कौन सी स्कीम है? स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल्स श्रेयस को लॉन्च की है। यह योजना एक कार्यक्रम बास्केट है, जिसमें HRD, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और श्रम रोजगार मंत्रालय सहित 3 केंद्रीय मंत्रियों की पहल शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में IDBI बैंक ने गैर कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? हेमंत भार्गव को गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये LIC के अध्यक्ष भी हैं। हेमंत भार्गव LIC के अध्यक्ष भी हैं। IDBI बैंक ने हेमंत भार्गव को गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है। भार्गव वर्तमान में जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष और प्रभारी या प्रबंध निदेशक हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, हेमंत भार्गव LIC के अध्यक्ष भी हैं और प्रबंध निदेशक भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, IDBI बैंक मुख्यालय कहाँ इसका? मुंबई में है। MD और CEO इसके कौन है? राकेश शर्मा है IDBI बैंक के। क्वेश्चन नंबर 3, CZPDC भोपाल और WZPDC इंदौर को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? केंद्रीय क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल है और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी WZPDC इंदौर को केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आर के सिंह द्वारा ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना के तहत सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन से पुरस्कार? सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हर घर बिजली योजना के अंतर्गत इनको पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? भोपाल को, केंद्रीय विद्युत कंपनी भोपाल है और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर को, इनको सौभाग्य पुरस्कार से सम्मानित किया है। पुरस्कार में प्रत्येक के लिए 100 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। PM सहज बिजली कर हर घर योजना सौभाग्य को केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2017 में लागू किया गया था। सौभाग्य योजना कब लागू हुई थी? सितंबर 2017 में। इस चीज़ को ध्यान रखें, सितंबर 2017 में सौभाग्य योजना लागू की गई थी और इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीबी रेखा के नीचे BPL घरों को बिजली प्रदान करना है। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीबी रेखा के नीचे यानी BPL घरों को बिजली प्रदान करना था। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस मंत्री को राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए नरेंद्र मोदी को, बी अरुण जेटली, सी नितिन गडकरी। इसका सही आंसर है ए नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को युवा संसद महोत्सव से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 पुरस्कार नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए। इनका आयोजन कहाँ किया गया? पुरस्कार 2019 का नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए। यह राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा युवा कार्य और खेल मंत्रालय के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के विजेता हैं, पहला स्थान है महाराष्ट्र से श्वेता उमरे हैं, पहले स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर कर्नाटक के MS अंजनाक्षी हैं। तीसरे स्थान पर हैं बिहार से ममता कुमारी हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
हाल ही में आरबीआई ने कौन से बैंक के साथ द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? बैंक ऑफ जापान के साथ किए हैं। किसके साथ? बैंक ऑफ जापान के साथ किए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। मुख्यालय कहाँ आरबीआई का? मुंबई में है। स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भारत इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में कौन से स्थान पर है? 47वें पे, 48वें पे या 49वें पे? ये है भारत अपना 47वें नंबर पे, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2019 में 47वें नंबर पे है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भारत समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2019 में 47वें स्थान पर है, जिसको इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा फेसबुक के लिए तैयार किया गया है। इसे किसके द्वारा? EIU के द्वारा, यानी कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे तैयार किया गया फेसबुक के लिए। सूचकांक में 100 देशों को शामिल किया गया था। सूचकांक में 100 देश शामिल थे, जो दुनिया की आबादी का 94% है। वैश्विक GDP का 96% प्रतिनिधित्व करेंगे। इस सूचकांक में स्वीडन सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कौन है? पहले नंबर पर होगा स्वीडन है, जबकि सिंगापुर दूसरे स्थान पर। सिंगापुर कौन से? दूसरे स्थान पर है। और अमेरिका कौन से? तीसरे स्थान पर। अमेरिका तीसरे स्थान पर है। भारत ने अपने पिछले वर्ष की रैंक को बनाए रखा है। और फेसबुक का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में है फेसबुक का मुख्यालय। इसके सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी हुरून रिसर्च द्वारा संकलित वैश्विक शीर्ष 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर हैं? कौन से पे हैं? 8वें स्थान पर हैं। मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके? $54 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी हुरून रिसर्च द्वारा संकलित वैश्विक शीर्ष 10 सबसे अमीर अरबपतियों की सूची में शामिल किए गए हैं। टॉप 10 में इनको शामिल किया गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2019 में अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर हैं। जेफ बेजोस अमेजन के पहले स्थान पर काम लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर बने रहे हैं, जबकि वरिष्ठ अंबानी को 3.3 ट्रिलियन रुपये के नेटवर्क के साथ 8वें स्थान पर रखा गया है। शीर्ष 10 में अंबानी एकमात्र एशियाई हैं। अपने एशिया में सिर्फ अंबानी हैं टॉप 10 में शामिल, अपने एशिया में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में बायो एशिया 2019 कहाँ आयोजित किया गया? बायो एशिया 2019 कहाँ आयोजित किया गया? ए हैदराबाद में, बी मुंबई में, सी नई दिल्ली में। इसका सही आंसर है ए हैदराबाद में। हैदराबाद में बायो एशिया सम्मेलन आयोजित किया गया। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? एशिया के सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिक और जीवन विज्ञान मंच बायो एशिया का 16वां संस्करण हैदराबाद में हुआ है। 16वां संस्करण कहाँ हुआ? हैदराबाद में हुआ। हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन तेलंगाना के राज्यपाल ESL नरसिम्हन द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ESL नरसिम्हन द्वारा किया गया। सम्मेलन का विषय क्या है? लाइफ साइंस 4.0 डिसरप्ट द डिसरप्शन इसका सब्जेक्ट था इस बार। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में एविएशन कंक्लेव 2019 का आयोजन कौन से मंत्रालय द्वारा किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 27 फरवरी को, 28 फरवरी को या 26 फरवरी को? ये मनाया गया 28 फरवरी को। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को पूरे भारत में मनाया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सर चंद्रशेखर वेंकट रमन या CV रमन ने 1928 में इस दिन रमन प्रभाव की खोज की थी, इसीलिए 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर CV रमन को उनकी खोज के लिए 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।